ये ऐसा लगता है कि रविंद्र रैना जी कभी भी मैंने उनको सवाल का सीधा जवाब देते नहीं देखा, और बहुत सारे मुश्किल सवाल जो आज बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं उनका जवाब बीजेपी को जरूर देना पड़ेगा, और वो चाहे रविंद्र रैना जी द्वारा दिया जाए या भारतीय जनता पार्टी के किसी और अन्य नेता। एक भारी रोष लोगों में था और वो जम्मू बंद के रूप में हमारे सामने आया, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 370 टूटने के बाद जम्मू बंद की कॉल दी गई और एक कामयाब जम्मू बंद जो है वो हुआ। जो है वो जम्मू की जनता अब उठ खड़ी हुई है, वो समझ रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू विरोधी नीतियां एक के बाद एक आ रही है, जम्मू कोई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब नहीं है जम्मू, जम्मू डिपेंड करता था टूरिज्म के ऊपर, रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आज लोग परेशान हैं, और रिटेल स्टोर्स के खुलने की वजह से जो आम छोटा दुकानदार है वो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जाएंगा आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर जूटे की बात करें तो इन दिनों काफी हॉटस्पॉट मुद्दे जो हैं वो गरमाए हुए हैं। राजनीति के लिहाज से अगर बात करूं तो लोग परेशान हैं क्योंकि इन दिनों एयरलाइन स्टोर्स की बात सामने आई, बच्चे परेशान हैं क्योंकि एडमिशन्स नहीं मिल रही, और भी काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करूं तो जनरल सेक्रेटरी हैं, सीधी बातचीत इनसे करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इन सब पर अपनी पार्टी जो है उसका क्या स्टैंड है। सर पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। थैंक यू। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा इन दिनों अगर बात करें जम्मू के अंदर रिलायंस स्टोर्स की बात सामने आई जिसमें लोग जो थे काफी खफा दिखे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसे कैसे देखती है क्योंकि 100 स्टोर्स खोलने की बात कही गई, हालांकि रिलायंस ने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों ने तस्वीरें शेयर की कि ऐसा हुआ है, खुल चुके हैं, और कश्मीर में वहां 2 से 3 या 4 स्टोर्स जो है खोलने की बात सामने आई, यहां पर भी जो इस तरीके का भेदभाव जो है वो सामने आया है, आप इसे कैसे देखें? देखिए जिस तरह से जम्मू बंद की कॉल दी गई थी और एक कामयाब जम्मू बंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार की नीतियां हैं और जो स्टेट की जो एलजी प्रशासन जो है उसकी नीतियों के खिलाफ एक भारी रोष लोगों में था, और वो जम्मू बंद के रूप में हमारे सामने आया, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 370 टूटने के बाद जम्मू बंद की कॉल दी गई और एक कामयाब जम्मू बंद जो है वो हुआ, और ये खुद में इस बात को दर्शाता है कि जितनी भी पॉलिसीज, रिलायंस स्टोर्स तो एक उसका हिस्सा है, वो केवल रिलायंस स्टोर्स की बात हो, चाहे वो दरबार मूव बंद करने की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो रेता बजरी की बात हो, चाहे वो लिकर की बात हो, जिस तरह से हमारे कितने जो लोग जो स्टेट से जुड़े हुए थे वो बेरोज़गार किए गए, तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं जम्मू में 370 टूटने के बाद और ये एलजी प्रशासन के दौरान, तो जो अराजकता का एक माहौल है वो मुझे लगता है उसके खिलाफ जो है वो जम्मू की जनता उठ खड़ी हुई है, वो समझ रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू विरोधी नीतियां एक के बाद एक आ रही है और जो ये सरकार है वो बिल्कुल उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जम्मू का जो कारोबारी है, जो छोटा कारोबारी है, वो किस दिक्कत से जा रहा है। जम्मू में जम्मू कोई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब नहीं है जम्मू, जम्मू डिपेंड करता था टूरिज्म के ऊपर, रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर और ट्रेडर्स की इकॉनमी पे, और वो कहीं ना कहीं रिलेटेड थी कश्मीर के साथ, जो दरबार मूव के साथ संख्या में यहाँ लोग आते थे वो यहाँ जो इकॉनमी है उसको चलाते थे, तो कहीं ना कहीं आज लोग परेशान हैं, और रिटेल स्टोर्स के खुलने की वजह से जो आम छोटा दुकानदार है वो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसकी असुरक्षा जो है वो इस बात से आपके सामने आती है कि वो केवल इस बात की चर्चा से घबरा गया। अब जब आप सोचिए कि ये खुल जाएंगे स्टोर्स और वो जब उसकी रोजी रोटी, क्योंकि आज आपके पास नौकरियां देने को नहीं है, जो लोग नौकरियां लगे हैं उनकी आप नौकरियां छीन रहे हैं, स्टेट जो होती है, जो सरकार होती है, वो वेलफेयर स्टेट उसका होना बहुत ज़रूरी है, और वेलफेयर स्टेट में आपको वक्तन वक्तन ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जब आप लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके घर परिवार को चलाने के लिए आप उनको एंगेज करते हैं। तो आज ये बात कह देना कि पुरानी सरकारों ने जो गलत किया वो सारे लोग जो गलत थे उनको निकाल देंगे, फिर तो ये जितने लाख जो डेली वेजर हैं उनको भी निकालना पड़ेगा, तो आप नौकरियां तो दे नहीं पा रहे हैं, और जो नौकरियां आप एडवर्टाइज़ करते हैं वो दो दिन में
आप विड्रॉ कर लेते हैं, फिर अभी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की नौकरियां जो एडवर्टाइज हुई थी उनके एग्जाम थे जिस डेट को, वो पोस्टपोन कर दिए गए। सो ये तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं आज लोग महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी को इसका करारा जवाब लोग देंगे। दरबार मूव की बात आपने कही, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करूँ तो उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि दरबार मूव लोग बड़े परेशान है कि ऐसा हुआ, हमने जो फैसला किया हम उसके साथ हैं, क्योंकि बड़ा सारा धांधली जो होती थी उसे हमने रोक जो है वो लगाई है, क्योंकि फाइलें कुछ ऐसी थी जो कभी खुली नहीं, जो पहुंचने में इतना खर्चा होता था, वो सारी चीजों में हमने रोक लगाई है, तो हम जम्मू की इकोनॉमी पे इसका कोई असर जो है वो नहीं पड़ने देंगे। क्या इस बयान से भी आप सहमत हैं? बिल्कुल असहमत है। वो बयान जो है वो उन्होंने मुझे लगता है अपने एक फैसले को डिफेंड करने के लिए उस गुरूर में वो बयान दिया है, और वो गुरूर से भरा हुआ बयान है। कहां से कैसे वो जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर आपको फाइल्स ट्रांसफर करने में खर्चा आता था तो वो तो ई ट्रांसफर भी आजकल हो जाती है फाइल्स, उसको सुधारने के बहुत सारे तरीके थे। आप अगर शरीर के किसी अंग में कोई बीमारी है तो आदमी को मार थोड़ी देंगे आप, तो उस बीमारी को ठीक करेंगे, और अगर ट्यूमर है तो उसको निकालने की बाहर कोशिश करेंगे। आप टांग को बचाएंगे ना, अगर पूरी टांग थोड़ा काट देंगे। आपने तो दरबार मूव की प्रथा जो बंद की उसकी एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकती है, पर उसकी एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन थी और उसकी एक सोसाइटल इम्प्लीकेशन थी, वो जो बहुत जरूरी है। जब जम्मू और कश्मीर को आपको इकट्ठा रखना है तो एक इंटरैक्शन जो है जम्मू और कश्मीर के बीच में वो बहुत जरूरी है, और उसको अगर आप बंद कर देंगे तो फिर आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दोनों खितों को आपको एक साथ रखना। अभी मैं थोड़ा सा तो अलग विषय भी लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ जो है वो भेदभाव की जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करूं, परेड कॉलेज की बात करूं, बच्चे सड़कों पर हैं। 12वीं के बाद बच्चों ने जिन्होंने 80% मार्क्स लिए वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि ABP NSU उनके समर्थन में आ रहा है। राजनीतिक पार्टी अभी तक तो कोई सामने नहीं दिखी है अपनी पार्टी, क्या जो खाली जम्मू की बात नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चे वो सारे श्रेणी में आते हैं जिन्होंने पहले तो होता था कि बंदा 60-70% नंबर था, उसको डर होता था कि मुझे शायद सिलेक्शन ना मिले या मेरे मनपसंद सब्जेक्ट्स ना मिले। आज की डेट में अगर 85% लेने वाला बच्चा भी उसको उसकी चॉइस के सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे और ये कहा जाता है कि हमारे पास सीट्स नहीं है, फुल हो गए हैं, तो फिर वो कैसे देखें? इसमें कोविड की वजह से जब फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और उसमें हमने देखा है देश भर में CBSE के रिजल्ट में भी एक ट्रेंड है ज्यादा मार्क्स लीनियंट मार्किंग का, और कुछ और कारण भी होंगे, पर एक हम देख रहे हैं कि हायर परसेंटेज बच्चे ले रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को मुझे लगता है थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, और अपनी पार्टी इस मामले में बिल्कुल बच्चों के साथ है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, वो रिव्यू करे इसको, और या तो सीट्स बढ़ाएं या फिर कट ऑफ परसेंटेज जो है उसको नीचे, 6000 सीटें होती थी अब 4500 कर दी। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ सीटें बढ़ाएं और साथ साथ जो कट ऑफ परसेंटेज है उसको भी लीनियंट करने की जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है और वो ये कोई साधारण हालात नहीं है। असाधारण जब हालात होते हैं तो फिर आपको असाधारण फैसले भी लेने पड़ते हैं, और जो सरकारें होती हैं उन पर जिम्मेवारी होती है कि वो फैसले लें। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके चीफ जो रविंदर रैना है, बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं वो, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, लोग उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली क्यों नहीं लेते? मतलब इस तरीके से उनके जोक्स इस तरह क्यों लेते हैं कि ये सिर्फ बोल रहे हैं, होगा कुछ नहीं, ऐसा क्यों है? देखिए, उस पर आपको प्रतिक्रिया लोग ज्यादा देंगे वो सीरियसली क्यों नहीं लेते, पर मुझे ऐसा लगता है कि रविंदर रैना जी कि जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर आप उसके बाद उसका उनका आंकलन करें तो वो एक किसी पर्टिकुलर मकसद के साथ दी जाती है। उनका अंदाज वो जो है वो बेशक ड्रामेटिक है और वो थोड़ा उसको ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं, पर वो दी जाती हैं, और कभी भी मैंने उनको सवाल का सीधा जवाब देते नहीं देखा। और बहुत सारे मुश्किल सवाल जो आज बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं उनका जवाब बीजेपी को जरूर देना पड़ेगा, और वो चाहे रविंदर रैना जी द्वारा दिया जाए या भारतीय जनता पार्टी के किसी और अन्य नेता, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। अगर प्रेसिडेंट की जो कही हुई बातें हैं उस पर मीम्स और जोक बनते रहेंगे सारा दिन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जवाबदेही जो है लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की के नेतृत्व की है, उनके जो प्रवक्ता हैं उनकी तो है ही, पर उसके साथ साथ जो उनके अध्यक्ष हैं उनको भी कहीं ना कहीं संवेदना जो है वो दिखानी पड़ेगी। हर बारी हर सिचुएशन को मजाक में उड़ा देना, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर ने, जम्मू के लोगों ने खासकर बहुत झेल लिया है। ये आज लोग चाहते हैं कि उनकी जो परेशानी है, उनके जो सवाल हैं उनके सटीक और सही जवाब दिए जाएं,
उन लोगों द्वारा जो सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो सीएम हमारा होगा, आने वाले दिनों में इलेक्शन होंगे तो हम दिखाएंगे सीएम हमारा होगा, ये बयान सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से लोग नाखुश हैं, क्योंकि हम ग्राउंड में रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग नाखुश हैं क्योंकि यहाँ के जो चेहरे हैं, जो लोकल लीडर्स को जिन्होंने जिताया, वोट दिए, आज वो उनके बीच में नहीं है। और बाहर के मिनिस्टर्स की अगर बात करूं, वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं यहाँ पे लोगों ने, हालांकि जम्मू का तो किया नहीं, कश्मीर में आ रहे हैं, वहां पर बयानबाजी हो रही है, वहां पे होके जा रहे हैं वापिस, इसे भी कैसे देखते हैं? क्या इसका कोई विकल्प आने वाले दिनों में अगर इलेक्शंस का बिगुल बजता है तो देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो लोग परेशान हैं? हमने 2014 की इलेक्शन में भी ये बात देखी और पार्लियामेंट में भी देखी कि लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी पे रहते हैं, वो जैसे सूर्य की रोशनी जो है ना उससे पूरा देश, पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, वैसे ही आज उनके पास ऐसे नेता हैं जो एक प्रेजेंस जिनकी और जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी देश भर में है, तो वो ये लोग समझते हैं जो ग्राउंड पर बीजेपी के लोग हैं कि हमको काम करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, हमारे को तो मोदी जी आएंगे और वो जिता के दोबारा चले जाएंगे 2014 की तरह। पर ऐसा अब होने वाला नहीं है, वो समय और था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो जो कार्यकर्ता और नेता हैं, जब तक वो लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, केवल फोटो खिंचाने के लिए और केवल औपचारिकताओं के लिए अगर वो राजनीति का इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि जमीन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, और बदले हुए हालात में इनको लोगों के रोष का सामना करना पड़ेगा, और वही लोग इसमें कामयाब होंगे जो जमीन से जुड़े हुए हैं। जो लोग आज फिर उसी आस में रहेंगे कि मोदी जी आके जिता देंगे या कोई और लीडर आके जिता देगा, तो अब वो हालात मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में बनने वाले नहीं है दोबारा। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करूं तो अल्ताफ बुखारी साहब तब सामने दिखे थे जब डोमिसाइल की बात सामने आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं वहां गया, उसके बाद डोमिसाइल ला, यहां पे हम यहां के युवाओं का हक नहीं बनने देंगे और ऐसा होगा भी नहीं। हालांकि उस पर डोमिसाइल लाया, डोमिसाइल्स बने, बच्चों ने अप्लाई किया। एक चीज जानना चाहूंगा, अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो यहाँ के युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इस समय इस चरम सीमा पर है, जो लगे हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं रही है, जेकेएसएसबी पर इतनी सारी सीटें पड़ी हैं, उनके पास एग्जामिनेशन हैं, जो बच्चों ने फीसें भरी थी वो आज तक एग्जाम नहीं हुआ, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस पर नजर बनाई हुई। आप अगर देखेंगे जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कल गडकरी जी का बयान भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि पैसे की तो कमी नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं। अगर पैसे की कमी नहीं है तो फिर नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही? जम्मू कश्मीर तो जनरेट कर नहीं पाता। पर आपको मैं एक बात जरूर बताऊंगा, अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार बनेगी, जो कि बनेगी जम्मू कश्मीर में, तो हमारी सरकार कम से कम असंवेदनशील नहीं होगी। हम लोगों को एक सामान की तरह, एक भाड़े के जो टट्टू की तरह डील नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये लोग हमारे हैं, हमको इनको बचाना कैसे है, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर के में लगे हमारे साथी हो, चाहे एनएचएम के लोग हो, जो भी लोग हैं, जो भी लोग आज इस आस पे बैठे हैं कि हमारे जो नौकरियां, जो इंगेज किया गया है उसको कैसे चलाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसको एक संवेदनशील तरीके से देखेगी और उनको कोशिश करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार से इंटरफेरेंस के बाद हो, कि उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको किस तरह से ये विश्वास दिलाया जाए कि सरकार जो है उनके पेट पे लात नहीं मारेगी, उनके बच्चों के पेट पे लात नहीं मारेगी। पर जो आज की सरकार है वो इतनी असंवेदनशील है कि यहाँ जो गवर्नर साहब के एडवाइज़र हैं उनके बयान अगर आप सुने, तो वो ऐसे बयान है कि जैसे आपकी उनकी नज़र में वो लोग इंसान नहीं, कोई भेड़ बकरियां हो, उनके लिए भी ऐसा नहीं कहेगा इंसान कि जो लोग जिनका लालन पालन उन्हीं उसी नौकरी पे हो रहा है, उसी 1500-5000 पे हो रहा है, तो उसके लिए भी आप ऐसे ये जो मुझे लगता है जब बुखारी साहब ने उसमें बहुत क्लियर किया था, उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली भी आपको फ्री देंगे, युवाओं की रोजगार नए बनाने के लिए और सही मायने में कैसे इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आए, यहाँ प्राइवेट सेक्टर वाइब्रेंट हो और कैसे जो नौकरियां और बनाई जाएं और क्रिएट की जाएं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, क्योंकि आज 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में है, तो उसकी चिंता जो है जो पार्टी नहीं करेगी। अगर उसकी सोच लेंगे कि केवल धर्म के नाम की राजनीति आप करते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा, 335 एक बात करें तो अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा सीधा स्टैंड है कि 370 और 35 से सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा हम उसको मानेंगे। पर 370 के टूटने के जो फायदे गिनाए जा रहे थे
और खसूसन जो जम्मू खित्ते को गिनाए जा रहे थे वो हमने देखा कि वो सारे खोखले वादे साबित हुए। अगर किसी को फायदा 370 के टूटने का हुआ तो राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी ने इससे लेने की कोशिश की और देश भर में अपनी राजनीति चमकाने की इससे कोशिश की। पर जो लोग असली में यहाँ के बाशिंदे हैं, चाहे वो आज जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो हमारा रजौरी पुंछ का गुज्जर भाई हो, पहाड़ी भाई हो, चाहे वो कश्मीर में रहने वाला हमारा भाई हो, कोई भी इस फैसले से खुश नहीं है। और आज लोग महसूस कर रहे हैं कि हमको यहाँ ठगा गया है। पर और उसके साथ साथ जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो कहीं भी क्रियान्वित नहीं हुए और उसका जो फायदे दिखाए थे, जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि नौकरियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, जम्मू कश्मीर की हालत बदल जाएगी, मुझे लगता है आज हालात में हम फिर भी हम देख रहे हैं कि ना टेररिज्म में कमी आई, ना आतंकवाद में कमी आई, ना आज सीमा पार से शांति है क्योंकि पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई है और हमारे बॉर्डर शांत है। वो पर जो 370 से उम्मीदें थी लोगों को, वो उस पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल नाकाम रही है उन उम्मीदों को सच्चाई में बदलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ है विक्रम मल्होत्रा जी, सीधी बातचीत इनसे करी है और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से किए थे, आवाम से किए थे, उसे पूरा करने में नाकामयाब रही है ये कहना उनका सीधा, और तमाम बातें जो रखी हैं बेखूबी से रखी हैं, क्योंकि ऐसे ही पहले भी जब भी इनसे बातचीत करी है ऐसे ही हमारे साथ बातचीत करते हैं और अपनी बात जो है वो बड़ी भांति जो है वो रखते हैं। लेकिन अब समय बताएगा क्योंकि इलेक्शंस जो है वो सर पर हैं, कभी भी विगुल बन सकता है और जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस आएंगी कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, बहुत बड़े सवाल हैं जिसका जवाब तो जनता या फिर प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वही जानेंगे कि आखिरकार किस मुद्दों पर जो है वो इलेक्शन कंपेन जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी रेकमेंड बॉक्स में जुड़े रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहू एक्सप्रेस पर। अदित अरोरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।